बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना बचपन का। आज के जमाने में अगर साड़ी खरीदने जाओ तो साड़ी खरीदने जाओ, ये बड़ी साड़ी ओनली 200 मैडम, ओनली 200। एंड इफ यू गो फॉर लाइक शॉर्ट स्कर्ट ऐसा कुछ, मैडम 1500 मैडम। अबे नालायक, इतनी बड़ी साड़ी का 200 रुपए, छोटे से स्कर्ट का 1500 कैसे होता है यार, इतने कम तो कपड़े हैं। आई रियली डोंट नो यार। वैसे बताओगे आजकल बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना इतना ट्रेंडिंग कैसे हो गया, ऐसा क्या है इस गाने में समझ नहीं आ रहा, सारे लोग इसी पे वीडियो बना रहे हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये बचपन का प्यार है क्या। बचपन का कुछ भी आजकल वो हो जाता है यार, कुछ भी वायरल हो जाता है। देखो मैं पता है हर रोज मैं इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि कोई एक आध दो वीडियो मेरा भी वायरल होगा, होता ही नहीं है। किसी को ट्रिग्नोमेट्री, अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में या अच्छा पढ़ाई मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं भी करूँ बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना बचपन, मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा। क्या बात है। कई बार बच्चे इतना सा पार्ट को काट देते हैं, लाइक जो फैन क्लब वाले बच्चे हैं, फैन क्लब वाले बच्चे क्या करते हैं, लाइक मैंने जहां मस्ती की उतना पार्ट काट लेंगे। और विडंबना सोचो, जैसे मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी ये ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ, इस ट्रिगो वाले वीडियो पे मेरे मान लो 7000-8000 या आगे जाते जाते मान लो 10000 व्यूज आए, और उस भाई ने क्या किया, मेरा ये बचपन का प्यार काट लिया, बचपन का प्यार काट लिया, उसने वीडियो बनाया हर्ष सर इन बचपन का प्यार, और भैया उसके 150K व्यूज। ये क्या है, ओरिजिनल वालों को ये देश कब, मतलब कब ओरिजिनल वालों को ये देश उनका पूरा पूरा सम्मान देगा, मैं कभी समझ नहीं पाया। मैं अपने वाइफ से हमेशा ये पूछता हूँ, मेरी वाइफ भी वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदते रहती है, तो आई ऑलवेज से यार वेस्टर्न ड्रेसेस क्या मतलब, महंगे मिलते हैं, उससे बेहतर अपना देसी। मेरा बस चले, मैं भी धोती लुंगी कुर्ते पहनूं, लेकिन दुनिया नहीं है ऐसी धोती लुंगी कुर्ते की। भाई सिर्फ 100 रुपये में इतना लंबा धोती दे रहे थे, मैं उसमें 2-3 बार रोल हो गया, मैं बोला सबसे सस्ता यही है, एकदम मस्त धोती।